इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार। क्या परेशानी है आपको? सर, मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम थी। तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया था? या और डॉक्टर वासु को बरेली में दिखाया। तो सभी ने क्या कहा? सभी ने कहा, यही जवाब दिया कि ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर वासु के यहाँ आप गए थे जी, उनकी दवाइयों से क्या हुआ? की दवाइयाँ मैंने 6 महीने तक चलाई, उनकी दवाइयों से कोई भी मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, साथ ही आज आपकी रोशनी कितनी हो गई थी? रोशनी मेरी बहुत घट गई थी, दिन में भी मुझे देखने में प्रॉब्लम होने लगी थी। दिन में देखने में प्रॉब्लम होने लगी, पहले रात में प्रॉब्लम थी, फिर दिन में भी प्रॉब्लम होने लगी, है ना? तो आपने कोई उनके इलाज के बाद किसी डॉक्टर को दिखाया था? उनके इलाज के बाद फिर मैंने कानपुर में एक जगह दिखाया था, हैलेट में, शालिनी मोहन जी को। उन्होंने भी यही बताया, ये एक लाइलाज बीमारी है और मोतियाबिंद भी हो गया है। आपको उनकी दवाओं के उपयोग के बाद मोतियाबिंद हो गया है जी, ऐसा बोला जी। उसके पहले तो नहीं बोला था कि आपको मोतियाबिंद है? नहीं, उसके पहले नहीं बोला था। आप सरी के हताश लोग जो बरसों से अंधत्व का जीवन जी रहे हैं, मतलब 20 साल से आप बिल्कुल हताश होते चले जा रहे थे। सभी बड़े से बड़े अस्पताल गए थे, एलवी प्रसाद और शंकर नेत्रालय, नारायण नेत्रालय, वासनाई केयर, केरला में श्री दरियम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है दरियम में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था। और सभी ने क्या कहा, इसका कोई इलाज नहीं है, में नहीं है बोला। तो आप खुश हैं डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज करके? सर खुश है, बहुत खुश है। डॉक्टर वासु के पास गया। तो डॉक्टर वासु के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? पेपर से मालूम पड़ा, पेपर में उनका एड आया था, न्यूज़पेपर में। फिर उनका एक साइट का नाम लिखा हुआ था, मैंने उस पर भी देखा, आइसोटीन ड्रॉप का उसमें डिटेल्स था और उसमें मैक्युलर डिजेनरेशन के बारे में लिखा था कि मैं ये बीमारी ठीक करता हूँ। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, 1 महीने का दिया। मैं बोला कि दूर से आता हूँ सर, तो क्या पॉसिबिलिटी है 2 महीने का दवाई एक साथ मिल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मिल सकता है, और 2 महीने की दवाई दी उन्होंने। 2 महीने में साहब मेरी रोशनी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। मेरा भाई इधर दिल्ली में था, वो बोला डॉक्टर वासु सुभाष ने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का गारंटी ट्रीटमेंट करता है बोल के मेरे को बताया। मैं पीड़ित था, फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ मैं दवा 2 साल पूरा दवा लिया, आइसोटीन आई ड्रॉप्स बोल, बाद में मेरे को इम्प्रूव नहीं देखा। तो अभी लास्ट रिजल्ट मेरे को कैटरक निकल गए। तो ये पोजीशन है कि आइसोटीन डालते डालते आपकी आंख में रोशनी तो खत्म हो गई और साथ ही मोतियाबिंद भी चालू हो गया जी। क्या आप किसी व्यक्ति को कहेंगे कि आइसोटीन ड्रॉप डालिए? नहीं सर, ये मैं कभी भूल के भी कोई रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो बेनिफिट के लिए मैं वो दवा यूज किया था वो मेरे लिए बेनिफिट नहीं हुआ, दूसरा आदमी के लिए भी ऐसा हानि नहीं होना चाहिए बोलना चाहता हूँ। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय। परेशानी है मेरे को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आरपी रेटिना की प्रॉब्लम ज्यादा है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ जी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या शुरुआत हुई थी? रात में मेरे को कम दिखता, हाँ मैं दिखाने गया था, नहीं होगा इसका कोई इलाज है नहीं फिलहाल। मैं आयुर्वेदिक पतंजलि दिखाने गया रामदेव जी अष्ट में, तो वहाँ डॉक्टर दयाल शंकर जी ने बोला इसका इलाज तो नहीं है, अगर आपके पर्दा मजबूत कर देंगे इस बीमारी को रोकने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे फिर हमारा ट्रीटमेंट चालू कर दिया था, 21 दिन रुके, उसके बाद में 3 महीने बाद वापस गए, के बाद में भी वहाँ से कोई रिजल्ट अभी तक हमारे को नहीं मिला है। बीमारी मेरी ज्यादा बढ़ गई है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चल रहा है संजीवनी, वहाँ कहीं गए थे? वहाँ मैं गया नहीं था, मैंने 2 जनों से रिपोर्ट ली थी जो वहाँ ऑलरेडी वहाँ रहे थे इलाज, हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे भी इसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, नहीं है, तो वो मैं भी नहीं गया वहाँ। एक बार मैं रात को जा रहा था तो अचानक से दीवार से टकरा गया, तो वही मैं डॉक्टर से चेकअप कराया, तभी मेरे को बीमारी के बारे में मालूम पड़ा। कि आपको रात को कम दिख रहा है, हाँ। यानी शुरुआत में आपको रात को कम दिखना शुरू हुआ, हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद धीरे धीरे मेरे को दिन में भी कम दिखने लगा। बीमारी का नाम क्या है आपको मालूम है? हाँ सर मेरे को मालूम है, मेरे बीमारी का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी का नाम उस बच्चे को मालूम था? हाँ सर उसको मालूम है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात हुई, उसको बीमारी का नाम पता था तो उसने इसके बारे में ढूंढा, ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो आपको डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में मालूम पड़ा।
आपके परिवार में और कौन कौन से सदस्यों को ये परेशानी है? ये सर मेरे से दो भाई एक बहन और को ये प्रॉब्लम है। और कोई अछूता है इस बीमारी से? मेरी बड़ी बहन को नहीं हुआ है सर ये प्रॉब्लम। आपके खानदान में, मामा के परिवार में, चाचा के परिवार में किसी को ये परेशानी है क्या? नहीं सर, दूर दूर तक किसी को ये प्रॉब्लम किसी को नहीं है। बस ये आप चार बच्चों को, आपके परिवार में चार लोगों को आई है। देखते हैं इसमें आपको क्या फर्क आता है, हम प्रयास करेंगे। देश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय। अब आपके जीवन में जो वो हताशा सी छा गई थी, आपकी रोशनी खत्म होती जा रही थी जी। हर आपने आज कराया था, आप मुश्किलात में दिख रही थी कि आपकी रोशनी कम होती जा रही है, अब क्या होगा जी? यही था ना जी। तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी रोशनी का क्या होगा? अब मुझे खुशी हो रही है कि मतलब आगे भी मैं देख पाऊंगी, भविष्य आपका अंधकार में नहीं है, अब पुनः देख पाएंगी जिस तरह पहले देखा करती थी जी। इसी तरह के कोई भी मरीज जिनकी रोशनी कम हो रही है, खत्म हो रही है, पेरिफेरल विजन सुकड़ता जा रहा है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा उनको कहा गया है, मैक्यूलर डिजनरेशन उनको कहा गया है, आंखों की नस में क्या बताया था, सूजन आ गई है, सूजन आ गई और नस खत्म होती जा रही है। न्यूरोसर्जन ने आपको क्या किया था? पीठ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला था। कितनी बार निकाला होगा? महीने में निकालते थे, एक महीने में एक बार निकाला। कितना दिन इलाज कराया आपने जी? उनके यहाँ कितने दिन इलाज कराया आपने? करीब 4-6 महीने इलाज कराया। 6 महीने जी। और हर महीने आपकी पीठ के रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसकी जाँच होती थी? जाँच होती सर। उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं आया था जी। लास्ट में आप सबसे बड़े हॉस्पिटल कहाँ गई थी? बॉम्बे गई थी सर। कौन से हॉस्पिटल गए थे? संजीवनी नेत्रालय। वहाँ भी करीब 1 साल तक के दवाई खाई मैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा सर। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, रोशनी सुकड़ती जा रही थी, विजन खत्म होते जा रहा था, पर ये था कि कहीं कुछ आशा नहीं है, इसलिए वहाँ जाना है जी। है ना? शायद एलवी प्रसाद भी गए थे आप? तो कुछ बताए ही नहीं सर, मतलब कि आपकी रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी ऐसे बताए। आपकी रोशनी कोई नहीं बचा सकता जी। है ना जी। आपकी रोशनी खत्म हो जाएगी और आपको अंधत्व का जीवन जीना ही पड़ेगा। आपके मन में आशा की किरण जगी है जी सर, कि आपकी रोशनी अब खत्म नहीं होगी। अब तो ये रोशनी आपकी कहाँ पड़ी है? उज्जैन सर। उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आपने इलाज कराया और आपकी रोशनी बढ़ना शुरू हुई है जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके जीवन में फिर नए दिन आना शुरू हुए हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से ठीक हो। नमस्कार। आप इस तरह का कोई भी मरीज जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, क्या बीमारी बताई थी आपकी मम्मी को? मम्मी को तो बोला था कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है हैदराबाद एलवी प्रसाद में, और उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आपकी मम्मी को बिल्कुल नहीं दिखेगा। और उसके बाद हमने बहुत जगह इलाज कराया, संजीवन नेत्रालय गए पहले, फिर उसके न्यूरोसर्जन में कुछ इलाज चला रायपुर छत्तीसगढ़ में, वो भी बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन सक्सेसफुली डॉक्टर ऋषभ जैन ने इसका मेडिसिन निकाल लिया है। जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज़ ज़रूर आए, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी मम्मी, फादर, खुद आपको भी, हर किसी का यहाँ आँखों का पूरा इलाज यहाँ होता है। आंख होते हुए किसी की रोशनी खत्म हो रही है, कम हो रही है, कम होती जा रही है जी जी, उसमें रोशनी बिल्कुल भी देरी ना करें, जितनी जल्दी आएंगी उतनी जल्दी आपको फायदा मिलेगा और आपको आंखों के सामने दिख जाएगा विद इन 7 डेज। तो उस दिनों में जो फायदा दिखता है आपकी मामी जी को दिखा जी, उसी तरह दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दिखने लग जाएगा, कहीं से भी आ सकते हैं। डॉक्टर जैन ने इनका इलाज खोज लिया है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत डॉक्टर ने आपको कहा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उनके पास इलाज नहीं, लेकिन डॉक्टर ऋषभ जैन के पास इसका इलाज है जी। सारे विश्व के लोग यही कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। और आपको अंततः नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचिए, सूरदास हो जाएंगे जी, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे है ना जी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। और इसका इलाज आ गया है, उज्जैनी नेत्रालय, डॉक्टर ऋषभ जैन।
मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है। उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।